आज मटर पुलाव बना रही हूँ। इसको मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। सिंपल में भी ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मैंने जीरा डाला है 1/2 टीस्पून और 4 मैंने ग्रीन चिली लिए। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। देखिए थोड़े से स्पाइसी में दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्ची है और एक बड़ी इलायची ली है और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही मैंने बहुत भर के ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट है। चलिए तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए थोड़ी सी दही और इसको भून लेते हैं। देखिए ये भून रही है सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी इसमें ऐड करके इसको भून लेती हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, ये भून चुका है अच्छे तरीके से। अब मटर ऐड कर देते हैं। अब इसके साथ ही ये देखिए ये चिकन स्टॉक है, ये अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी ताकि मटर गल जाए। और स्टॉक में भी मैंने जो है नमक ऐड किया था, तो इसमें मैं नमक कम ही डालूंगी। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं ढककर। चलिए चुकी है, तो अब जो है मैं चावल ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। देखिए ये सॉल्ट है, इसमें मैंने स्टॉक में भी नमक डाला था, तो इसलिए मैंने 1 स्पून से कम जो है सॉल्ट डाला है। इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए देखिए अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तैयार होंगे, खिले खिले राइस हैं ये देखिए। और मैं ज़ीरा बत्ती इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इनका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये मिल्क में मैंने फूड कलर और थोड़ा सा केवड़ा डाला है ये इसके साथ ही, और थोड़ी सी ये जो है ब्राउन प्याज मैंने की थी। तो ये देखिए अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चलिए ये मटर का जो पुलाव है सिंपल तैयार है अपना। चलिए फिर अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।